Everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Wherever you are, I am ACC Disha Chauhan, a proud fin and your faculty for corporate and business law. Welcome, welcome everyone to the first session of corporate and business law. कॉपरेट एंड बिजनेस लॉ एक पूरा ही थियोरिटिकल सब्जेक्ट है जहां आप ऑफ ऑफकॉर्स यू नो बहुत सारी लॉज के बारे में पढ़ोगे इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जो आप सेल और बाय करते हो उससे रिलेटेड क्या लॉज हैं एंड फ्रॉड क्रिमिनल बिहेवियर और ये सारी चीज़ें आप बहुत ही डिटेल में पढ़ोगे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है काफ़ी नई चीज़ें आपको शायद सीखने को मिलेगी यहाँ जो आपने पहले अपने शायद स्कूल वगैरह में नहीं पढ़ी होगी तो जो हमारा फर्स्ट सेशन है वो है अबाउट बिजनेस पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम्स के बारे में एंड ऑल्सो वी विल टच अपाउन इंटरनेशनल ट्रेड तो हम इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में भी देखेंगे यू you नो know, हम वेरियस जो ऑर्गेनाइजेशन है ओ हो गया इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे कि ये क्या होता है कैसे ऑपरेट करती हैं मतलब इनके फीचर्स क्या हैं एंड ऑफ ऑफकोर्स हम थरली पढ़ने वाले हैं यू नो लॉ का एक बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट जैसे कि सिविल लॉ क्या है क्रिमिनल लॉ क्या होती है जो आपके पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम्स हैं वो सारी क्या चीजें होती हैं सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट विद अ फर्स्ट सेशन फॉर कॉपरेट एंड बिजनेस लॉ तो जैसे कि मैंने कहा आज का सेशन है बिजनेस पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम्स पे और फिर हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड भी तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं जो हमारे लीगल सिस्टम है उसके क्या ब्रॉड टाइप्स होते हैं तो मोस्टली ये तीन टाइप होते हैं पहला तो आ जाता है आपका कॉमन लॉ ना ये जो है आपको ज्यादातर कंट्रीज लाइक यूके यूएस में देखने को मिलेगा फिर है हमारा सिविल लॉ ये आप ज़्यादातर देखोगे जर्मनी में या फ्रांस जैसी जगह पे एंड आ जाता है शारिया लॉ ना शारिया लॉ इज समथिंग जो आप यूजली यू नो मुस्लिम कंट्रीज़ में देखोगे जहाँ पे uh, जैसे कि पाकिस्तान हो गया ईरान हो गया तो कई मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज या पाकिस्तान कंट्रीज ये सारी कंट्रीज जो है वो ये लॉ फॉलो करती है विच इज़ योर शारिया लॉ ऑल right, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या इंटर रिलेशनशिप होता है एक इकोनॉमिक पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम में तो किसी भी कंट्री का जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है वो रेफर करती है अबाउट योर पॉलिटिकल इकोनॉमिक और लीगल सिस्टम तो ये जो तीनों सिस्टम्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ ये सब इंटर डिपेंडेंट है यानी कि एक सिस्टम दूसरे पे डिपेंडेंट है एंड देक्ट एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस विद ईच अदर तो जब आप कुछ भी कर रहे हो तो ये जो एक सिस्टम है वो दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है वो उससे इंटरैक्ट भी करेगा और वो उसको इंफ्लुएंस भी कर सकता है कोई भी कंट्री का पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो ऑफ़ ऑफकोर्स इंफ्लुएंस होता है कि भाई उस कंट्री का लीगल सिस्टम क्या है क्या लीगालिटीज है क्या बेसिकली लॉज है and it will of course have implication on your international business जो आपकी country में होता है जो आप बाहर के देशों के साथ करोगे All right, सबसे पहले हम समझते हैं economic systems के बारे में तो किसी भी country की जो economic policy होती है वो obviously decide करती है कि कैसे कोई भी society कोई भी country जिसमें एक society बसती है वो अपने आप को finance कैसे करेगी क्या चीजें हैं जो वो प्रोड्यूस करेगी वो कंट्री क्या प्रोड्यूस करेगी कैसे प्रोड्यूस करेगी और वो किसके लिए प्रोड्यूस कर रही है क्या वो इंटरनल कंजम्पशन मतलब अपने ही प्रोड्यूस करके खुद ही देशवासी यूज करने वाले हैं या फिर वो बाहर बेचने वाले हैं यू नो बाहर एक्सपोर्ट होने वाला है तो ये सारी जो पॉलिसीज हैं ये आ जाती हैं आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर तीन मेन टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं जो आप ज्यादातर देशों में देख सकोगे या तो होता है उनका प्लैंड इकोनॉमी प्लान इकोनॉमी का क्या मतलब है कि यहां पे जो डिसीजन है या फिर जो भी चॉइस लिए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही लेता है दैट्स अबाउट इट गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा और वही चूज करेगा कि ये होगा ये ऐसा होगा ये प्रोड्यूस होगा इतना होगा कैसे नेचुरल रिसोर्सेस जो भी उस कंट्री के हैं वो कैसे यूज होंगे क्या उनका प्राइस होना चाहिए कि भाई जिसके लिए लोग पैसा दें किस प्राइस पे वो इसको अवेल कर सकते तो ये सारी जो डिसीजन है बेसिकली गवर्नमेंट लेती है एक प्लैंड इकोनॉमी के अंदर ठीक है ये तो हो गया भाई हमारा प्लैंड इकोनॉमी दूसरा आ जाते हैं हम मार्केट इकोनॉमी में ना मार्केट में जो है यहां पे जो भी डिसीजन है या चॉइसेस है वो आप छोड़ देते हो मार्केट फोर्सेस पे यानी कि आपके सप्लाई एंड डिमांड में ना इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा ही होगा सप्लाई डिमांड सप्लाई डिमांड तो आपने सुना ही होगा कि भाई जब आप कुछ प्रोड्यूस करते हो सप्लाई होता है लोग जो चीज़ वो डिमांड करते हैं उसका डिमांड पे बेसिस पे होता है कर्व बनती है तो यहाँ पे क्या होता है मार्केट इकोनॉमी में कि आपने मार्केट पे छोड़ दिया कि क्या डिमांड है क्या सप्लाई है उसी के मतलब बे, बेसिस पे जो है आप डिसीजन लोगे जैसे कि प्राइस जो है आप सेट करोगे अगेन लेफ्ट ऑन द मार्केट फोर्सेस कि कैसे रिसोर्सेज हैं कितना उनको जरूरत है लेट्स कोई भी एक पर्टिकुलर रिसोर्स है जो कि बहुत ही इजीली मिल जाता है क्योंकि वो इतना इजीली अवेलेबल है उसका प्राइस जो है थोड़ा लोअर ही साइड पर रहेगा क्योंकि वो तो आराम से मिल सकता है ना तो उसको क्यों वो महंगा मिलेगा ऑन द रिवर्स कोई भी ऐसी चीज कोई भी कॉमोडिटी हो गई या कोई भी ऐसी चीज जो कि थोड़ी रेयर है जो कि उतने इजीली नहीं मिल सकती उसका प्राइस यूजली होता है ऑन द हायर साइड तो मार्केट इकोनॉमी में आप जो डिसीजन है वो छोड़ देते हो ऑन द मार्केट की भाई क्या डिमांड है क्या सप्लाई है उसी पे ये जो है डिपेंडेंट होगा तीसरा टाइप आ जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी क्या है बहुत ही सिंपल ऊपर जो हमने अभी दो पढ़े उसी का है मिक्सचर तो आप प्लैंड और मार्केट को जब मिक्स कर दो तो आपका हो जाता है इकोनॉमी यहां पे जो है क्या होता है आप डिसाइड करते हो कुछ चीजें तो हैं प्लैंड इकोनॉमी कि भाई गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी पर कुछ चीजें मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दी जाती है एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है दे हैव अ मिक्स्ड इकोनॉमी ये यूजुअली ज्यादातर कंट्रीज में मिक्स इकोनॉमी ही होता है कि गवर्नमेंट भी डिसीजंस लेती है बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो लेफ्ट एट द मार्केट फोर्सेस ऑल राइट नाउ लेट्स मूव ऑन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल सिस्टम तो इकोनॉमिक सिस्टम्स हमने अभी देख लिए तीन तीन पढ़ लिए कौन सा क्या होता है क्या मतलब है उनका अब हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल सिस्टम नाउ पॉलिटिक्स क्या है भाई इट रिफर्स टू हाउ कंट्रीज आर मैनेज आप जिस भी देश में हो वहां पे कोई तो सिस्टम होगा या तो हो सकता है डिक्टेटरशिप हो यानी कि एक कंट्री रन की जा रही है बाय अ डिक्टेटर इस केस में जो इंडिविजुअल फ्रीडम है वो हाईली रेगुलेटेड होता है फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया अब नॉर्थ कोरिया में आपको पता है एक डिक्टेटर है वही सब डिसाइड करता है एंड यू नो एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाई दैट वन पर्सन उसके अलावा जो इंडिविजुअल्स हैं वो इलेक्ट नहीं कर रहे हैं किसी को किसी को वोट नहीं दे रहे हैं कोई डेमोक्रेसी नहीं है तो इन कॉन्ट्रास्ट दूसरा टाइप होता है वो हो जाता है आपका डेमोक्रेसी जहां पे कंट्री जो है रन की जाती है बाहर इलेक्टेड बॉडी फॉर एग्जाम्पल इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसीज यहाँ पे यू चूज योर लीडर्स आप वोट देते हो पोलिटिकल पार्टीज को यू नो एवरी फ्यूर्स इलेक्शन होते हैं और फिर ही वो पार्टी इन यू नो आती है पावर यहाँ पे इंडिविजुअल के पास चॉइस है अगर हम उस पार्टी से खुश नहीं है तो हम उसको अगली बार वोट नहीं देंगे डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता है वो डिक्टेटर जब तक रहेगा चलता रहेगा शायद उसके फिर यू नो फैमिली मेंबर्स बाद में रूल करे तो ऐसा होता है ऑब्वियसली वहां पे जो फ्रीडम है कि इंडिविजुअल फ्रीडम बहुत हाईली रेगुलेटेड होता है नेचर क्या है आपके पॉलिटिकल सिस्टम का एफेक्ट द वे दैट लॉज आर मेड एंड एफेक्ट द वे जिससे आप इकोनॉमिक को करोगे रन वॉट प्रोसेस इज इनफोर्स इन अ नेशन विल ऑल्सो एफेक्ट टू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एक तो है रूल ऑफ लॉ और दूसरा है आपका सेपरेशन ऑफ पावर्स तो पहले हम समझ लेते हैं रूल ऑफ लॉ को हाउ एंड वॉट लॉज आर मेड एंड इनफोर्स इन अ कंट्री ये डिपेंड करेगा बहुत कंट्री you know, का पोलिटिकल सिस्टम पे जो कि आपका आता है रूल ऑफ लॉ यानी कि द डिग्री टू विच इंडिविजुअल बिहेवियर इज रेगुलेटेड बाय लॉ जैसे कि मैंने कहा डिक्टेटरशिप में क्या होगा एक डिक्टेटर है वो ही सारे डिसीजन लेता है वो ही यू you नो know, पूरा क्या होगा कैसे होगा सब वो ही कर रहा है इंडिविजुअली आपके पास फ्रीडम भी नहीं है कि भाई अगर आपको पसंद नहीं है तो चलो मैं इसको हटा के नेक्स्ट टाइम किसी और को बना दूं ये भी आपके पास चॉइस नहीं है यहाँ पे एम्फेसिस गवर्नमेंट रेगुलेशन कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज यानी कि इंडिविजुअल फ्रीडम जो है सब्जेक्टेड होता है एंड बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल टू अ लार्ज एक्सटेंट विल बी डिक्टेटेड बाय द स्टेट बाय बायस ऑफ लॉ इन डेमोक्रेटिक नेशंस और योर लेजेस फेयर

You know, there is no freedom whatsoever. पूरा जो है डिक्टेटर के हिसाब से ही सब कुछ चलता है उतना आपकी लाइफ रेगुलेट नहीं होती है इन योर डेमोक्रेटिको इफ यून अटिक कंट्री बट इफ यूर डिक्टेटरशिप कंट्री वहां पर आपकी जो इंडिविजुअल लाइफ है वो भी हाईली रेगुलेटेड होती है सेपरेशन ऑफ पावर ना द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ बहुत ज्यादा क्लोजली बाउंड है विथ योर सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि ज्यादातर कंसेंट डेमोक्रेटिक नेशंस जो कि इस दुनिया में हैं दे हैव पावर हेल्ड इन डिफरेंट प्लेसेस तो आपको पता होगा कई कंट्रीज में जैसे कि यू नो दे अ हेड ऑफ स्टेट आपका प्राइम मिनिस्टर का अलग पावर्स है एक प्रेसिडेंट भी होता है कई कंट्रीज में तो यहाँ पावर बढ़ जाती है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में तो एटलीस्ट आप जो है पावर सेपरेट कर देते हो लेवल्स पे सो so, लेजिस्लेचर जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है To enact करना दो तो आपके जो जो भी हैं ठीक है 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 उसको करने की responsibility किस की किसकी उसकी क्या सिबिलिटी होती है इंप्लीमेंट और एडमिनिस्ट्रेट करना पब्लिक पॉलिसी और फंड करना लेजिस्लेटिव ब्रांच को बट द थिंग टू रिमेंबर इज जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है दे डू नॉट मेक द लॉ से इंस्ट्रक्ट करता है लेजिस्लेचर को कि क्या लॉज बन सकती हैं क्या लॉज बननी चाहिए वो इंस्ट्रक्ट करता है एडमिनिस्टर करता है इम्प्लीमेंट करता है बट दे डू नॉट मेक द लॉ नाउ इन दूके यूनाइटेड किंगडम जो एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल पार्टी है एंड वो कमांड करती है मेजोरिटी ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स सो इन प्रैक्टिस डिसीजंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स आर टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर ये यूके के बारे में हम बात कर रहे हैं एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एज अ ग्रुप ऑफ यू नो पीपल इन द यूके नोन एज द कैबिनेट ना जो जुडिशरी आपकी होती है रोल ऑफ द जुडिशरी हो जाता है टू इंटरप्रेट एंड अप्लाई दिस लॉ जो कि लेजिस्लेचर ने बनाया तो जैसे कि हमने कहा एग्जीक्यूटिव लॉ नहीं बनाता है लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया अब उसको ऑब्वियसली किसी को इंटरप्रेट करना है कि भाई ये लॉ कहता क्या है अप्लाई करना होगा केसेस में वो करता है जुडिशरी तो आप देख रहे हो कैसे पावर सेपरेटेड है एक लॉ बना रहा है दूसरा एडमिनिस्टर कर रहा है तीसरा उसको इंटरप्रेट और अप्लाई कर रहा है तो अगर एक ही को आप ये काम दे दो तो यू you नो know, काफी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इन सारी चीजों में अगर आपने सिर्फ एक को ही सारी पावर दे दी अकाउंटेबिलिटी भी कम हो जाती है एंड इवन करप्शन के केस बढ़ सकता है इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप पावर को जो है सेपरेट करते हो इन लेवल्स पे इन सम नेशन सच एज यूएस द लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कंप्लीटली सेपरेट है इसीलिए ईच इज अकाउंटेबल एंड दे कैन ऑल्सो ऑपरेट ए चेक एंड बैलेंस जैसे कि मैंने कहा अकाउंटेबिलिटी रहती है जब आप सेपरेट करते हो पावर्स अगर ये चीज नहीं रहती तो अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है और करप्शन के भी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं इन दूके जो लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट है दे आर सेट टू एक्सरसाइज पार्लियामेंट्री सॉवरिटी दिस मीन्स दैट वो बना सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं लॉ एज वेल ओवर डू या ओवर रूल और मॉडिफाई केस लॉ कोई भी अगर जुडिशरी ने बनाई तो ये पार्लियामेंट के पास यूके में पावर है सेपरेशन ऑफ पावर जो कि फ्रीक्वेंटली आप देख सकते हो वो होता है बिटवीन योर हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड हेड ऑफ स्टेट तो यूजली ये दोनों जो है रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये अलग अलग लोगों को दी जाती है यानी कि हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव अलग इंसान होगा हेड ऑफ स्टेट अलग होता है यूरोपियन नेशन में जैसे कि दो पर्सन होते हैं यूके में भी आपके पास हेड ऑफ स्टेट जो आपका मोनार्क जो इनकी यू नो रॉयल फैमिली है वो है वायर हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव आपका अगेन प्राइम मिनिस्टर आ जाता है फ्रांस में भी अगेन देर इज अ प्रेजिडेंट देर इज अ प्राइम मिनिस्टर ये दो इन रोल्स अलग अलग है यूएस में ऑन अदर हैंड आपको पता ही होगा सिर्फ प्रेसिडेंट होता है यूएस में प्राइम मिनिस्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वहां पे प्रेसिडेंट ही है वही है हेड ऑफ स्टेट एंड वही है, है हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव यूएस तो एक कंट्री है जहां पे ये दो पावर्स को सेपरेट नहीं किया गया एक ही इंडिविजुअल को दिया है बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में आप देखोगे एक प्राइम मिनिस्टर होगा एक प्रेजिडेंट होगा या फिर प्राइम मिनिस्टर या मुनाक होगा यू you नो know, आपका हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड हेड ऑफ स्टेट बेसिकली दो अलग जन होंगे जिसका मतलब है कि पावर जो है हो गई सेपरेट तो यही है सेपरेशन ऑफ पावर ऑल राइट लीगल सिस्टम नाउ तो हमने पढ़ लिया इकोनॉमिक सिस्टम हमने कवर कर लिया पॉलिटिकल सिस्टम अब हम करेंगे तीसरा जो कि आपका लीगल सिस्टम और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा ये सारे सिस्टम्स हैं इंटर डिपेंडेंट और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं ना लीगल सिस्टम इन अ कंट्री एम बोथ क्या लॉ है उस कंट्री की और क्या मैकेजम्स हैं जो कि इन प्लेस है टू रेगुलेट एंड एनफोर्स दो ऑब्वियसली हर कंट्री का कुछ लॉज होती हैं एक मैकेनिज्म होता है कि भाई कैसे यू you नो know, वो लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा इन्फोर्स किया जाएगा यू you नो know, पुलिस भी आ जाती है इन दैट पिक्चर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए फिर आपके कोर्ट सिस्टम्स होते हैं हर कंट्री का अलग होता है इंडिया में जैसे कि आपको पता होगा हाई कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट होता है बाहर के देशों में अलग अलग लेवल्स होते हैं तो ये सारी चीजें जो मैकेनिज्म है ये है आपका लीगल सिस्टम देयरफॉर एक लीगल सिस्टम क्या क्या चीजें को करता है इनकॉर्पोरेट एक बार हम उसको देख लेते हैं सो so, कंट्री की जो भी लॉज हैं उसको तो डेफिनेटली करता ही है द लेजिस्लेचर द लॉ मेकिंग बॉडी जो आपकी जुडिशरी हो गई यानी कि वो बॉडी जो कि बैठती है इन जजमेंट अगर कोई डिस्प्यूट है आपका प्रोसिक्यूशन सिस्टम ये वो सिस्टम है जो कि इंश्योर करता है कि कोई भी क्रिमिनल लॉ को आप एनफोर्स कर रहे हो एंड वो लोग जिन्होंने लेट से लॉ ब्रेक की है उनको पनिशमेंट मिले वो प्रोसिक्यूट हो पुलिस जैसे कि मैंने कहा ये वो हैं जो कि एनफोर्स करेंगे लॉ प्रोटेक्ट करेंगे पब्लिक कल को कुछ भी होता है कोई अगर इंसान लॉ तोड़ता है तो आप पुलिस के पास ही तो जाते हो कि इस पर्सन ने ऐसा ऐसा किया तो पुलिस भी ऑफ ऑफकोर्स एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है प्रेजेंट सिस्टम ये वो सिस्टम है जो इंश्योर करता है पीपल जिन्होंने ब्रेक बेसिकली आप कोई भी लॉ क्रिमिनल लॉ उनको आप सजा दो एज पर सेंटेंस जो भी तो उनकी सजा है तो ये सारी चीजें आपके लीगल सिस्टम में आ जाती है द टर्म लीगल सिस्टम इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब द अंडरलाइन नेचर किसी भी कंट्री के लॉ को राइट अब हम देख लेते हैं क्या क्या टाइप्स ऑफ लॉ होती हैं तो हर नेशन की कुछ अपनी सेट ऑफ लॉज होंगी जिससे वो यू you नो know, वो रेगुलेट कर सकती है एंटिटीज विद इन इट रिलेट टू इच अदर एंड टू द स्टेट तो ये तो हो गई आपकी नेशनल लॉ कि भाई आपके जो कंट्री में जो जो है एंटिटीज आप उसके यू you नो know, क्या उनके लिए लॉज हैं ये सब आपकी नेशनल लॉ हो गई ये अलग है आपकी इंटरनेशनल लॉस है ये रिफ्लेक्ट करेगा इंटर रिलेशनशिप ऑफ टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नेशनल लॉज बेसिकली आप एक कंट्री हो आपके जो भी एक बिजनेस ने किसी और बिजनेस के साथ कुछ डीलिंग की वो दूसरी कंट्री में अब कुछ इश्यू आ गया कॉन्फ्लिक्ट आ गया अब आपके कंट्री के लॉज अलग हैं उस कंट्री के लॉज अलग हैं इन केसेस में आ जाते हैं आपके इंटरनेशनल लॉज विद इन ईथ स्टेज एंड इंक्रीजिंग अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज एंड ऑफकॉर्स जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था एक डिस्टिंक्शन होता है बिटवीन योर सिविल एंड क्रिमिनल लॉ जिसको हम अभी डिटेल में इना मोमेंट देखने वाले हैं पहले हम पढ़ लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज जो कि मैंने अभी कहा कि जब आपका एक कंट्री और दूसरे कंट्री में जब कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया बिजनेस से रिलेटेड कोई ट्रेड से रिलेटेड तो आपकी कंट्री के लॉज अलग हैं उस कंट्री के लॉज अलग हैं तो आ गए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज

अब ये लॉ क्यों जरूरी है अगर ऐसी कोई लॉ ही ना हो तो आप भाई कितना मुश्किल हो जाएगा आप दूसरी कंट्री के साथ बिजनेस कर रहे हो मे भी उस कंट्री में कोई बंदा है जो आपको एक्चुअली डिफ्रॉड करना चाहता था अब आपकी लॉज अलग है उनकी लॉज अलग है वो तो बोल देगा कि भाई हमारे देश में तो ऐसा होता है तो टाटा बाय बाय इसीलिए इन केसेस में इंटरनेशनल लॉज इंपॉर्टेंट होती है तब आप बोल सकते हो कि नहीं अगर दोनों कंट्रीज ने यू नो पैक बनाया है कि भाई हाँ हम ऐसा करेंगे डील इन केसेस में ऐसा होगा You know, it is a law जो रेगुलेट कर रही है, आपके क्या है? कोई है तो आप बोल सकते हो लॉ जो इंटरनेशनल लॉ आपने ऐसा ऐसा गलत किया है सो इंटरनेशनल लॉ डील सचैमेशन एंड रिकोगशन ऑफ स्टेट्स एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी विद रिगार्ड्स टू वॉर लॉ ऑफ दी एंड सी एंड ऑफ स्पेस ट्रीटीज जो आपकी हो जाती है ह्यूमन राइट इंटरनेशनल या फिर इंटरनेशनल जुडिशियल सेटलमेंट और सोर्स क्या है इंटरनेशनल लॉज का so, तो ऑफ इंटरनेशनल लॉ एक पब्लिक होते यानी कि आपकी अगर आपने कोई ट्रीटी साइन की है कस्टम्स हो गए आपके जनरल लीगल प्रिंसिपल्स या प्राइवेट भी हो सकते यानी कि एक नेशन के अपने ओन नेशनल लॉज जो कि रेगुलेट भी कर सकती so, like said, है इंटरनेशनल डीलिंग लाइक वेरियस सोर्सेज हैं आपके इंटरनेशनल लॉ के कन्वेंशन ट्रीटीज कस्टम्स हो गए इंटरनेशनल कस्टम्स जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ विच इज रिकोगनाइज बाई सिविलाइज ने जैसे ये यूरोपियन यूनियन जो है ये कलेक्शन ऑफ नेशंस है Now, इन नेशंस ने जो है अग्री किया है ऑन सम कॉमन लॉज यानी उन्होंने साइन किए हैं कुछ कन्वेंशन एंड ट्रीटीज तो जो जो कंट्रीज जो है यूरोपियन नेशन का पार्ट है वो उन लॉज जो यूरोपियन नेशन ने बनाई है उनको फॉलो करती है और कल को कुछ हुआ तो बोल सकते हैं कि भाई आपने ये चीज़ गलत की है शनल लॉ यू मे कम अक्रॉस द टर्म प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ विच इज द पार्ट ऑफ नेशन ओन लॉ जो कि स्टैब्लिश करेगी रूल्स फॉर डीलिंग विथ केसेस जिसका एक फॉरन एलिमेंट हो अब हर कंट्री की अपनी भी लॉ होंगी जिसमें बोला जाएगा कि भाई अगर कल को आपका फॉरन यू नो उसमें एलिमेंट में कुछ इशू है तो उससे रिलेटेड क्या लॉज है वो भी आपकी प्राइवेट में आ जाएंगे क्योंकि वो आपकी कंट्री का है पर जब आप एक मिल के दूसरी कंट्री के साथ ऑन सम कॉमन ग्राउंड्स कुछ डिसाइड करते हो वो हो जाती है आपकी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या डिफरेंट लीगल सिस्टम्स हैं नाउ दिस इज सिस्टमेंट ये हमने अभी शुरू में जो सेशन हुआ था तब हमने आपको याद होगा ये डिस्कस किया था कॉमन लॉ सिविल लॉ शारी लॉ इन सबको हम डिटेल में भी देखने वाले हैं सो डोंट वरी उससे पहले हम देख लेते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज डिफरेंस बिटवीन योर क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ ना ये एज पर दू के हम पढ़ रहे हैं इवन दो दिस इज अ ग्लोबल वेरियंट लेकिन हम हमेशा एज ए यूके का एग्जाम्पल ऑफ बेस लेके देखेंगे चीजें आगे भी तो क्रिमिनल लॉ जो है ये इन्वॉल्व करती है पीनल कॉन्सिक्वेंसिस में रिजल्ट इन कन्विक्शन या कैपिटल पनिशमेंट या फिर स्पेसिफिक टाइम इंड प्रॉ कोई भी क्रिमिनल लॉ जो है यहाँ पे आपका कॉन्सिक्वेंस होगा रिलेटेड टू रिलेटिव कन्वेंशन यानी कि या तो आपको शायद कैपिटल पनिशमेंट दे कुछ कंट्रीज में होती है डेथ बाय हैंकिंग कुछ में इलेक्ट्रिक चेयर यू you नो know, होता है कुछ में शायद आपको सिर्फ स्पेसिफिक टाइम हो प्रजेंट दस साल बारह साल लाइफ टाइम इन प्रेजेंटमेंट राइट सिविल लॉ जो होती है ये एक प्राइवेट लॉ होती है जो कि इन्वॉल्व करती है रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल सिटीजन मेन चीज़ क्या है जो आपका क्रिमिनल लॉ होता है यहाँ पे केस लाया जाता है बाय द स्टेट नेम ऑफ क्राइम तो जैसे क्रिमिनल केस हुआ तो आप उसको कैसे बोलोगे इट विल रिपोर्टेड एज आर वर्सेज स्मिथ जहां स्मिथ वो पर्सन है जिसके खिलाफ जा रहा है और आर सिग्नि यूके में आपको पता है यूएस में आ, रिफर किया जाएगा स्टेट वर्सेज स्मिथ तो ये क्रिमिनल लॉ में ऐसा कहा जाता है सिविल लॉ में क्योंकि केस एक जैसे हमने बोला इंडिविजुअल्स के बीच में होता है तो एक क्लेमेंट केस लाता है जो कि सीख कर रहा है रेमेडी दो लोगों के बीचों का कॉन्ट्रैक्ट था किसी ने दूसरा गलत किया तो अब मैं अगर उसके खिलाफ कोई केस करूं तो ये सिविल लॉ जाएगा लेकिन अगर किसी इंसान ने आ, ड्रंक करके ड्रिंक एंड ड्राइव करके किसी को मार दिया तो पुलिस जो है उसके खिलाफ है क्रिमिनल केस बनाएगी राइट तो क्रिमिनल केस हो जाता है जो यू you नो know, स्टेट लाता है या पुलिस आप समझ लो इन अवे पर जो सिविल लॉ होता है वो आपके इंडिविजुअल्स के बिदिन होता है नाउ यहाँ पे जो सिविल लॉ है यहाँ आप कैसे रिफर करते हो यहां पे सिंपली नेम ऑफ द पार्टीज जो भी इन्वॉल्व इन दैट डिस्प्यूट एक क्लेमेंट होगा और एक जिस इंसान के खिलाफ आप केस ला रहे हो सो so ये जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ब्राउन वर्सेज स्मिथ और जॉन वर्सेज टॉमी जो नाम है उनके ना क्रिमिनल लॉ में प्रूफ ऑफ बर्डन जो होता है प्रोजिक्यूशन पे होता है जो पर्सन केस लाया है कि भाई हमें इसको गिल्टी प्रूफ करना है और सिविल लॉ में बर्डन ऑफ प्रूफ होता है क्लेमेंट पे अगेन जो इंसान You know, लाया है जो की रेमेडी सी लॉ में जो आपको पनिशमेंट मिलेगी वो बहुत ही ज्यादा हार्श होगी अगर प्रूफ हो गया एक्चुअली की वो इंसान गिल्टी है तो शायद उसको जेल हो लाइफ टाइम हो या बहुत साल हो या इवन डेथ पेनल्टी भी हो सकती इसीलिए इस वजह से जो आपका गिल्ट है यू नीड टू शो इट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि यस yes, ये ही इंसान ने गलत काम किया है ही इज एप्सूटली गिल्टी फॉर योर सिविल लॉ स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होना चाहिए लाइबिलिटी मस्ट बी शोन ऑन योर बैलेंस ऑफ प्रोबिलिटीज नाउ रिमेंबर जो हम अभी ये पढ़ रहे हैं इनफैक्ट ये चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है एंड यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट फ्यू एमसीक्यूज एंड सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ का डिस्टिंक्शन आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है सो मेक श्योर आप समझ रहे हो एग्जैक्टली exactly कि सिविल लॉ क्या है क्रिमिनल लॉ क्या है क्योंकि दोनों अलग होती हैं ऑल राइट फॉर योर क्रिमिनल लॉ अगर इफ यू फाउंड गिल्टी जो क्रिमिनल कोड है वो सेंटेंस करेगी अक्यूज को या फाइन भी कर सकती है इंपोज कर सकती है पीरियड ऑफ इंप्रिजमेंट और अगर इनोसेंट वो पाएगा इंसान तो उसको छोड़ भी देगी राइट नाउ इन योर सिविल लॉ द सिविल कोर्ट विल ऑर्डर द डिफेंडेंट टू पे द डैमेज और इट मे ऑर्डर रेमेडी तो जो डिफेंडेंट है जो अपने डिफेंट कर रहा था वो उसको बोलेगी अगर वो हार गया कि भाई तुम पे करो क्लेमेंट को या फिर कोई और अदर रेमेडी भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन दर्कमस्टांस ना एक सिंगल इवेंट जो है दोनों प्रोसीडिंग्स को राइस दे सकता है यानी कि क्रिमिनल केस भी बन सकता है उसके अगेंस्ट और सिविल भी फॉर एग्जाम्पल लेट से अ ब्रोकन लेग कॉस्ट टू अस्ट्राइ अ ड्रंक ड्राइवर एक ऐसा एक्ट है जहां पर दोनों चीजें आ जाएगी क्योंकि वो ड्रिंक एंड ड्राइविंग कर रहा था तो जो पुलिस है स्टेट है उसको प्रोजिक्यूट करेगी फॉर द ऑफेंस ऑफ ड्रिंक एंड ड्राइविंग ठीक है तो तो एक ये तो बन गया क्रिमिनल केस दूसरा जिस इंसान को लगी है जिस पे डिस्ट्रिन का पैर टूट गया है वो भाई सू कर सकता है उस इंसान को कि भाई यू हैव टू किम्पनसेट मी मेरे को इतना पेन हुई सफरिंग हुई हॉस्पिटल का मेरा खर्चा हो रहा है तो तुम्हें मुझे पैसा देना पड़ेगा तो वो हो गया एक सिविल केस देखा आपने एक केस एक इंसिडेंट से कैसे दो केस बन गए सिविल केस भी और एक क्रिमिनल केस भी ये दो अलग कोर्ट्स में रन किए जाएंगे ये साथ साथ नहीं चलेगा मतलब सिविल केस अपना अलग चलेगा उसका अलग डिसीजन होगा क्रिमिनल केस का अलग होगा कॉमन लॉ सिस्टम जो आपकी कॉमन लॉ है वो डिराइव की गई है फ्रॉम द बॉडी ऑफ लॉ विच वॉज बिल्ड अप इन इंग्लैंड बिटवीन योर वन थाउजेंड सिक्स एडी एंड फोर्टीन एडी इट हैज बीन एक्सपोर्टेड टू वेरियस कंट्रीज मोस्टली योर यूएसए क्या की प्रिंसिपल्स है इस कॉमन लॉ के एक बार हम उसको नोट्स में देख लेते हैं नाउ दीस प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ डू नॉट बिकम इनऑपरेटिव थ्रू लैप्स ऑफ टाइम ऑलराइट देयरफॉर अ प्रिंसिपल जो कि अप्लाई किया गया था एक कोर्ट केस में लेट्स से 166 एडी में वो आज भी रिलेवेंट हो सकता है इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ कि जो भी आपके प्रिंसिपल है राइट right, जो लॉ का प्रिंसिपल है वो ट नहीं हो जाएगा जस्ट बिकॉज बहुत साल हो गए तो आज से अगर सौ साल पहले भी कोई यू नो प्रिंसिपल अप्लाई किया गया वो अभी भी रेलेवेंट हो सकता है जस्ट बिकॉज इतना टाइम पास हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब रेलेवेंट नहीं रहेगा अनदर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो आपका कॉमन लॉ में होता है वो होता है ऑफ योर जुडिशियल प्रेसिडेंट नाउ प्रेसिडेंट क्या होता है ज्युडिशल प्रेसिडेंट तो एक बहुत ही आप आगे भी इसके बारे में काफी सुनोगे ये बहुत ही कॉमन चीज है प्रेसिडेंट एक प्रीवियस कोर्ट का डिसीजन होता है जो कि अनदर कोर्ट नाउ नीड्स टू दे आर बाउंड टू फॉलो बाय डिसाइडिंग अ सब्सिक्ड केस इन द सेम वे यानी कि अगर कोई केस हुआ ठीक है केस हो जाता है उसका एक जजमेंट पास होता है कुछ साल बाद कुछ महीनों बाद कितना भी टाइम बाद लेट्स से एक और केस हुआ जो कि सिमिलर है टू दैट केस मतलब कोई मटीरियल डिफरेंसेस नहीं है तब जुडिशियल प्रेसिडेंट यानी कि जो भी उस वक्त जज होगा लॉयर होगा यू नो जो जज होगा जो फाइनली डिसाइड करेगा उसको पुराने केस का भी देखना पड़ेगा कि भाई क्या डिसीजन लिया था क्यों लिया था जो प्रीवियस कोर्ट का डिसीजन है उसको वो फॉलो करना होगा इसी को आप कहते हो प्रेसिडेंट यही होता है जुडिशियल प्रेसिडेंट कि आप जो भी अगर कोई सिमिलर केस है मतलब सिमिलर होना चाहिए ऐसा नहीं है कि भाई बस ये कि हाँ मर्डर का केस है तो किसी भी मर्डर की उसमें आप देखते हो जुडिशियल पहले जब ऐसा कुछ हुआ था तो एक जज ने क्या डिसीजन दिया था एंड यू आर बाउंड टू फॉलो दैट आप उसी बेसिस पे उसी लाइन पे जो है अपना भी जजमेंट पास करते हो यह होता है आपका प्रेसिडेंट जुडिशियल प्रेसिडेंट

टू अप्लाई द डिसीजन जो पुराने केस में भी हुआ था इसी को आप कहते हो जुडिशियल तो आप आपको, you know, आपको कभी जाना नहीं पड़ा कोर्ट केस के लिए किसी में लेकिन अगर आपने कभी सुना हो देखा हो आसपास तो ये चीज फॉलो होती है एक्चुअल में रियल में जुडिशियल प्रेसिडेंट कि एक जज बाउंड होता है दैट वो अप्लाई करेगा डिसीजन फ्रॉम एन अर्लियर केस अगर यू नो स्टेट करते हैं कि भाई ये केस में ऐसा हुआ था और दोनों केस सिमिलर है वहां ये डिसीजन हुआ था तो यहाँ पे भी उसी बेसिस पे आप डिसीजन देते हो सोर्सेज ऑफ लॉ इन योर कॉमन लॉ सिस्टम्स नाउ वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉ है इन इंग्लैंड आपकी कॉमन लॉ हो गई जहां से आपको आपका लीगल सिस्टम यू नोट डिराइव नेम इक्विटी यानी कि बेस्ड ऑन केस लॉ स्टैच्यूड एंड कस्टम नाउ दिस इज ऑफ लिटिल मॉडर्न सिग्निफिकेंस सो वी शेल नॉट कंसिडर इट एनी मोर

US में ऑफकोर्स दर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके बेसिस पे जो you know, उनकी लॉज बनी है पूरा जो सिस्टम है वो उस पर ही खड़ा है नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट कॉमन लॉ एंड इक्विटी सो कॉमन लॉ एक बॉडी ऑफ लीगल रूल्स है विच इज कॉमन टू योर होल कंट्री जो कि आपके जुडिशियल जो डिसीजन है उसमें होती है एम इक्विटी यानी कि एक टर्म है जो कि अप्लाई किया जाता है टू अ स्पेसिफिक सेट ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल डेवलप कोर्ट ऑफ चांसरी टू सप्लीमेंट द कॉमन लॉ सप्लीमेंट करने के लिए रिप्लेस नहीं कर देती है वो कॉमन लॉ को और राइट इट इज बेस्ड ऑन फेयर डीलिंग्स बिटवीन द पार्टीज एंड इट इज एडेड टू एंड इम्प्रूव ऑन योर कॉमन लॉ यहाँ पे आप जो है बेसिकली आप कॉमन लॉ को जैसे हमने कहा सप्लीमेंट कर रही है और एक फेयर डीलिंग्स पे बेस्ड है इसके साथ इक्विटी जो है इग्न इंट्रोड्यूस कर रही है द कॉन्सेप्ट ऑफ फेयरनेस जो कॉमन लॉ है वो है उसको बस सप्लीमेंट कर रही है रिप्लेस नहीं करेगी इक्विटी वॉज एबल टू मेक द फॉलोइंग ऑर्डर दैट द डिफेंडेंट मस्ट डू वॉट ही हैज अग्रीड टू डू अगर कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है तो उसको करनी पड़ेगी नाट द डिफेंडेंट मस्ट अब्सटेन फ्रॉम रॉन्ग डूइंग कुछ गलत करने से Alteration, अगर आपने की of a to the true inter, uh, या रिस्टोरेशन ऑफ योर प्री कॉन्टैक्ट स्टेटस को ना जहाँ पे आपके जो इक्विटेबल रूल्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट अगर करें कॉमन लॉ के साथ तब इक्विटेबल रूल्स प्रवेल करेंगे ओवर कॉमन लॉ केस लॉ इज मेड लॉ विच कंसिज ऑफ डिसीजन ऑफ द कोर्ट तो केस लॉ जो है बेसिकली जो भी डिसीजन रहे हैं कोर्ट के उसी का बना हुआ है जो कि जज ज़, जजेस बनाते हैं अ कोर्ट डिसीजन इज एक्सपेक्टेबल टू बी कंसिस्टेंट विथ प्रीवियस डिसीजन जैसे कि हमने देखा एंड टू प्रोवाइड एन ओपिनियन विच कैन बी यूज टू डिरेक्ट फ्यूचर रिलेशनशिप दिस इज नथिंग बट योर जुडिशियल प्रेसिडेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट समथिंग दैट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि ये होता क्या है जो कि हमने ऊपर अभी कवर किया था Statute law is made by your parliament or in the civil law system known as your admin regulation, administrative regulation. Then there is the American Constitution, which of course ultimate source of law in US. Mein. US ke laws are basis. on that Any statute which is passed by the American Senate, by the federal government or any individual states may be challenged by a citizen on the ground that this is unconstitutional. Hai. तो अगर आपने कोई लॉ बनाई और सिटीजन को लगता है कि दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो वो चैलेंज कर सकते हैं इसे रोल ऑफ जजेस क्या होता है इन योर कॉमन लॉ सिस्टम सो जजेस प्ले करते हैं दो रोल इन बिल्डिंग ऑफ योर केस लॉ इन कॉमन लॉ सिस्टम एंड बाय सेटिंग एंड अप्लाइंग कोई भी जुडिशियल प्रेसिडेंट जो भी मतलब पहले हुआ होगा उसको इंटरप्रेट करना स्टैच्यूज को एंड ऑफकोर्स परफॉर्म करना एक फंक्शन ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या क्या उसमें राइट जुडिशियल डिसीजन इज एक्सपेक्टेड टू बी कंसिस्टेंट विथ प्रीवियस डिसीजन जो कि हमने अभी तक पढ़ते हैं यही होता है जुडिशियल प्रेसिडेंट इट शुड प्रोवाइड एन ओपिनियन विच द पार्टीज अदर्स कैन यूज टू डिरेक्ट द फ्यूचर रिलेशनशिप एज इट क्रिएट लॉ ये बेस्ड ऑन योर लाइक सेड सिस्टम ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट इसके तीन एलिमेंट्स होते हैं रिपोर्ट्स यानी कि वो कॉम्प्रिहेंसिव लॉ रिपोर्ट मस्ट बी रूल्स फॉर एक्सट्रैक्टिंग टू द करेंट फैक्ट्स तो कुछ रूल्स हैं कि आप हाँ ये लीगल प्रिंसिपल उठा सकते हो एंड यू आर योर करंट जो केस है क्लासिफिकेशन प्रेसिडेंट्स मस्ट बी क्लासिफाइड दैट आर बाइंडिंग एंड विच आर मेरली पर जो डिसीजन लोअर कोर्ट लेते हैं दे आर नेवर बाइंडिंग तो प्रेसिडेंट को इसलिए आपको क्लासीफाई करना होगा कि हाँ ये बाइंडिंग है ये मतलब आप आगे भी बाकी भी फॉलो कर सकते हैं या फिर सिर्फ मेनलीसुएसिव है इट कैन ओनली बी कंसिडर एक बाइंडिंग प्रेसिडेंट अगर वो प्रेसिडेंट जो है बेस्ड है ऑन अ प्रोपोजिशन ऑफ लॉ एंड नॉट अ फैक्ट रीजन बिहाइंड इट द मटीरियल फैक्ट अगर सिमिलर है तब वो जो आपका प्रेसिडेंट है वो बाइंडिंग होगा एंड अगर डिसीजन मज मेव बीन बाय सुपीरियर कोर्ट मतलब छोटे कोर्ट जो आपके नो छोटे लेवल्स पे होते हैं

वो फाइनल जो सबसे ऊपर है वो डिसाइड करता है कि हाँ ये ये प्रेसिडेंट है उसका नीचे वाला देखेगा कि ओके ओके सुप्रीम कोर्ट ने लेट्स ये फॉलो किया था तो okay है लेकिन वो खुद जो है कोई छोटा कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल से कुछ वो खुद जो है प्रेसिडेंट्स जो हैं वो बाइंडिंग नहीं बना सकते हैं वो खुद फॉलो करेंगे जो हायर कोर्ट ने बनाया है स्टैच्यूटरी इंटरप्रिटेशन इन केस लॉ वेन यू डिसाइडिंग केस इज बेस्ड ऑन स्टैच्यू लॉ जजेस विल बी रिक्वायर टू इंटरप्रिट दूस

तो वो जो है आपकी कोई एग्जिस्टिंग लॉ को ओवर नहीं करेगा वो बस सपोर्ट करेगा सप्लीमेंट करेगा आपके एग्जिस्टिंग केस लो को अनलेस ऑफ ऑफकोर्स आपने किया ही स्पेसिफिकली उसको ओवरराइड करने के लिए अ अस्टैच्यू नॉट ऑल्टर योर एग्जिस्टिंग कॉमन लॉ अगर एक स्टैच्यू के दो इंटरप्रिटेशन है वन इन्वॉल्विंग ऑल्टरेशन टू योर लॉ एंड अदर नॉट देन अफकोर्स आपको लेटर इंटरप्रिटेशन यू प्रेफर करना होगा यानी कि जो कि ऑल्टर नहीं कर रहा है स्टैच्यू इज या इमिग्रेशन तो कोई भी स्टैच्यू जो है इट इज नॉट इंटेंडेड बेसिकली कि आप एक पर्सन को डिराइव कर रहे हो उनका लिबर्टी आ स्टैचू डेव एनी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट टू अ डेट अर्लियर देन बिकमिंग डॉ मतलब जस दिन से वो लॉ बनी है उसी दिन और उसके आगे का आप देखोगे राइट right? उसके पहले का आप जाके नहीं बोल सकते कि वो अब ये लाइबिलिटी तो जो है ग्रेटर है एंड इसलिए दिस इज देयर फॉर एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रशन नाउ द कोर्ट हैव ऑल्सो डेवलप्ड नंबर ऑफ रूल्स ऑफ स्टैच्यूटरी इंटरप्रिटेशन एक तो हो गया आपका लिटरल रूल यानी कि जो भी वर्ड्स आप यूज कर रहे हो राइट इन दैट स्टैच्यू दे शुड बी गिवन देयर प्लेन ऑर्डिनरी और लिटरल मीनिंग। नॉर्मली अ वर्ड इज गोइंग टू बी इंटरप्रेटेड इन द सेम लिटरल सेंस जो कि अपियर होगा अगर स्टैट्यूट में कोई वर्ड आ रहा है तो आप जैसे नॉर्मली उसको इंटरप्रेट करोगे उसके सेंस में आपको वैसे ही इंटरप्रेट करना है ये हो गया आपका लिटरल रूल फिर आ जाता है यानी कि इन थ्योरी ऑफ पर्पस क्या है लेजिस्लेशन इन कीपिंग व्यूज उसका जो भी ऑर्डिनरी लिटरल ग्रामेटिकल सेंस ऑफ वर्ड है उसके अलावा आपको उसमें इंटरप्रेट करना कि भाई इसके पीछे पर्पस क्या था तो ये हो गया आपका पर्पोसिव रूल देन आ जाता है कॉन्टेक्सचुअल रूल यानी कि अ वर्ड शुड बी इंटरप्रिटेड इन इट्स कॉन्टेक्स इट इज परमिसेबल टू लुक एट द स्टैट्यूट एज अ होल कि क्या टू डिस्कवर करना मीनिंग क्या है इफ अ वर्ड तो आपसे एक वर्ड देख लो उस वर्ड का मीनिंग एक कॉन्टेक्स्ट में अलग हो सकता है दूसरे कॉन्टेक्स्ट में अलग हो इसलिए कह रहे हैं कि आप पूरा स्टैच्यू पढ़ो फिर देखो कि उस वर्ड का मीनिंग विद रिगार्ड्स टू दैट स्टैच्यू उस कॉन्टेक्स्ट में क्या है

तो शीप पे है इट डज नॉट इंक्लूड गोड्स ऑब्वियसली सो इसलिए बोला है जो आप जिसको कवर कर रहे हो जो उसमें मैं एनी थिंग नॉट एक्सप्रेसली जो कि इंक्लूड है वो एक्सक्लूड ही होगा नौसेस रूल वर्ड ड्रॉज मीनिंग फ्रॉम अदर वर्ड्स अराउंड इट लेट्स अगर एक स्टैच्यू ने मैंशन किया है चिल्ड्रन बुक्स चिल्ड्रन टॉयज एंड क्लोज अब इसमें एंड क्लोज डाला है पर चिल्ड्रन के बारे में ही हम बात कर रहे थे चिल्ड्रन के बुक्स चिल्ड्रन की तो टॉयज आप जो वर्ड का मीनिंग है वो ड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम क्लोथ की, की ही बात हो रही है स्टैच्यू फॉर्म पार्ट ऑफ अज विच डील विद सिमलर सब्जेक्ट मैटर द कोर्ट में लुक द इंटरप्रेशन ऑफ प्रिवियस स्टैचूज ऑन दिन दैट पार्लियमेंट का भी वही इंटेंशन था तो आप बाकी जो यू नो सीरीज जो मैटर है उनको भी आप देखोगे जुडिशियल रिव्यू इन योर कॉमन लॉ सिस्टम तो दो मेजर थ्योरीज बेसिकली यूएस में एज टू हाउ जजेस शुड डू दैट पहली तो है ओरिजिनलिज्म यानी कि ओरिजिनलिज्म इज थ्योरी जो कि जो भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन है आपके देश का उसको आपको इंटरप्रिटेड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ ऑथर्स कि जो भी उन ऑथर्स का ओरिजिनल इंटेंट था उसी बेसिस पे इसी ऑल्टरनेट एक थ्योरी है जो कि है कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आपको इंटरप्रेट करना चाहिए बियॉन्ड जो ओरिजिनल इंटेंट था ऑथर्स का एक तो है कि आपने एज इट इज इंटरप्रेट कर दिया कि जो उसका ओरिजिनल इंटेंट था वो हो गया ओरिजिनलिज्म अगर आप पर उसका बियॉन्ड आगे बढ़ के अलग तरीके से देखोगे तो वो हो जाएगा कंस्ट्रक्टिविज्म सिविल लॉ सिस्टम सिविल लॉ सिस्टम एक कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ है जो कि ओरिजिन उसका आ रहा है फ्रॉम द रोमन लॉ क्या प्रिंसिपल्स हैं आपके सिविल लॉ के पहला है कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी यानी कि ये जो लॉ है इट इज कंटेन्ड इन कोर्ट्स जो कि ड्राफ्ट किए गए हैं एज ए जनरल प्रिंसिपल्स जो कि कोई भी आंसर किसी भी सिचुएशन का दे सकते हैं

मच ऑफ विच इज कॉडिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन भी कॉडिफाइड होते हैं स्टैच लॉ इज यूजली ड्राफ्टेड ए जनरल प्रिंसिपल एंड इन सिंपल लैंग्वेज एज फार एज पॉसिबल आप बेसिकली चाहते हो कि जो आपकी स्टैचू लॉ है एक ही बहुत ही ईजी एंड सिंपल लैंग्वेज में की गई है सो दैट यू नो

स इन कॉमन लॉस यानी कि जो ड्राफ्ट कर रहे हैं जो यू नो अप्लाई कर रहे हैं बेसिकली इनका बीच में डिफरेंस ज्यादा है इन योर सिविल लॉस अगर हम कॉमन लॉ के उससे देखें तो जजेस जो है अप्लाई कर रहे हैं लॉ दे आर नॉट मेकिंग द लॉ बाय वे ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंस ऑल दो दे परफॉर्म जुडिशियल रिव्यू टू एन शोर की जो भी स्टैच्यूज है वो लाइन है इन कॉन्स्टिट्यूशन पर जजेस कोई भी लॉ यहाँ बना नहीं रहा है अगर आप जुडिशियल प्रेसिडेंट अप्लाई करो इसका ये तो नहीं है कि आप कोई लॉ बना दे रहे हो आप जुडिशियल रिव्यू बेशक करते हो अपने स्टैच्यूज का देखने के लिए कि भाई हाँ सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के लाइन में है बट यू नो मेकिंग एनी लॉ यू आर अप्लाइंग इट द कोर्ट ऑफ कैसेशन नाउ जो टॉप कोर्ट ऑफ अपील है फ्रांस में उसको कहते हैं हम कोर्ट ऑफ कैसेशन कैसेशन एक फ्रेंच उससे आता है जिसका मतलब ही होता है टू क्वॉश कोर्ट ऑफ कैसेजन को ओरिजिनली फॉर्म किया गया था यह एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था जिसका मेन था एम टू क्वॉश एनी कोर्ट डिसीजन जहां पर लेजिस्लेटर को लगता था कि भाई लॉ को इनकरेक्टली इंटरप्रेट किया गया है तो इसी वजह से यह नाम पड़ा था नो दिस्ट्री ऑफ कोर्ट ऑफ कैसे फॉर नॉट एज अ कोर्ट ओरिजिनली उनका था कि भाई इट वॉज मैंड नॉट बाए जजेस बट बाय लेजिस्लेटर जिनका रोल जैसे कि कहा कि था सिर्फ क्वाश करना कोई भी वो डिसीजन एंड द रिटर्न केस टू कोर्ट सिस्टम टू बी रिटायर्ड कोई भी ओरिजिनल डिसीजन को क्वाश करने के लिए या रिटर्न करना वो केस कोर्ट को इन प्रैक्टिस द कोर्ट बिकेम कोर्ट ऑफ अपील वेर डिटरमाइनिंग दैट द लॉ इनकरेक्टली इंटरप्रिटेड ऑल्सो सेट आउट कि क्या करेक्ट इंटरप्रिटेशन होना चाहिए केस नॉट जस्ट टू द जुडिशियल इन टाइम ये जो कोर्ट है वो इंकॉपरेट हो गई आपके जुडिशियल सिस्टम में तो पहले जब वो बनी थी जैसे कि हमने पढ़ा कि वो एज सच उसके लिए नहीं बनी थी एज अ कोर्ट बाद में जाके ये हुआ ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ स्टेच्यूटरी इंटरप्रिटेशन एक सिविल लॉ में क्या होते हैं एक है आपका टेलियोलॉजिकल मेथड यहाँ अ जज सीक्स टू आइडेंटिफाई कि क्या सोशल पर्पस है उस लेजिस्लेशन का एंड देन इट विल अप्लाई इन अ मैटर जो अचीव कर पाए वो सोशल पर्पस हिस्टोरिकल मेथड दिस इज वेर द जज विल लुक एट द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेटर एंड देन विल ट्राई टू एनविसेज वॉट द इंटेंशन वुड बी अगर उसको आप लॉ को ड्राफ्ट करो इस मॉडर्न टाइम में तो यहाँ पे जो है जज अप्लाई करता है उसका इंटेंशन की पहले उसने जब हिस्ट्री में कभी भी किया होगा तो उसका इंटेंशन क्या रहा होगा और ये अगर मैं आप मॉडर्न टाइम्स में अप्लाई करूँ तो कैसे होगा ये होगा आपका हिस्टोरिकल मेथड कॉमन लॉ एंड सिविल लॉ डिस्टिंग अभी तक हमने कॉमन लॉ सि लॉ दोनों ही पढ़ ली है डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड सिविल लॉ कैन बी सीन इन द डिस्क्रिप्शन अब सोर्सेज ऑफ लॉ क्या होता है सिविल लॉ कोड आर कोर्सोज टू बी कॉम्प्रिहेंसिव कॉमन लॉ आपकी दे आर सप्लीमेंट्री टू द बॉडी ऑफ हिस्टोरिक लॉ विच इज क्रिएटेड बाई है सिविल लॉ में जजेस को आप जो है दे आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई द लॉ या मतलब उनको जो भी सिविल लॉ में जजेस को अप्लाई करनी है बस लोग उनके पास थोड़ा और यू you नो know, वो होता है दे कैन इंटरप्रेट इट ऑल्सो they have दे and creative role so in civil law they are just applying it and जस्ट अप्लाइंग इट एंड कॉमन लॉ दे आर मोर इंटरप्रेटिव लॉ यहाँ जो हम सिविल लॉ की बात करें यह अलग है जो हमने सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ केसेस पढ़े वो अलग होता है वो तो कहने का होता है ना कि सिविल केस है या क्रिमिनल लॉ पर जो हमने सिस्टम्स पढ़े वो था कॉमन और सिविल लॉ और अब आएंगे हम Sharia लॉ सिस्टम्स पे जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था यूजली इस्लामिक कंट्रीज ये फॉलो करती हैं क्योंकि शारिया लॉ है बेस्ड ही ऑन दर रिलीजन ऑफ इस्लाम मेजर डिफरेंस बिटवीन शारिया लॉ और अदर लीगल सिस्टम्स इज दैट शारिया लॉ एक्सप्लिसिटली बेस्ड है ऑन द रिलीजन ऑफ इस्लाम तो ऑब्वियसली कंट्रीज लाइक पाकिस्तान ईरान फॉलो करती हैं शारिया लॉ जो इस्लामिक कंट्रीज हैं बाकी कंट्रीज उतना ये ऑबियसली फॉलो नहीं करेगी क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन द रिलीजन ऑफ इस्लाम

Uh, थोड़ी इस्लामिक टर्म्स होंगी बट आई विल सजेस्ट कि आप यू नो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड इवेन रिमेम्बर इट बिकॉज इससे रिलेटेड एम सी क्यू भी आ सकता है सोर्स ऑफ शारुरान जो कि ऑफकोर्स उनकी होली बुक होती है जैसे क्रिश्चन्स की बाइबल होती है हिंदूज की यू नो आपका गीता होती है तो वैसे ही इनकी कुरान होती है अल्लाज डिवाइन रेवोलेशन टू हिस्स प्रोफिट मोहम्मद कुरान तो से ही ज्यादातर जो है इन्होंने डिराइव किया है ये शारिया लॉ तो यही हम सोर्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं प्रॉफिट के से जो डिराइव किया गया है, वो रिकॉर्ड है उसको कहते हैं आप सुनना दिस इज अ स्कूल ऑफ थॉट जो कि बेस्ड है ऑन थॉट्स ऑफ मेजर हिस्टोरिकल ज्यूरिस्ट दे आर ब्रॉडली स्पीकिंग टू स्कूल एक तो होती है सुन्नी और एक शीय तो जो सुन्नी होते हैं वो फ्राम करते हैं मेजोरिटी एंड जो स्कूल हैं अंडर द सुन्नी इस कैन भी फर्दर सब डिवाइडेड इन टू हनाफी स्कूल मली की स्कूल शाफी स्कूल एंड हन बली स्कूल इन पाकिस्तान दे जनरली प्रिफर स्कूल है हनाफी और अनदर जो ऑफकोर्स आप जहाँ से शारिय लॉ डिब होती हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन उस कंट्री का रोल क्या होता है जजेस का जजेस इन शारियर लॉ आर जनरली कैरिक्स गिवन द रिलीजियस नेचर ऑफ दिस लॉ सम सम कंट्रीज विल हैव जजेस जजेस आर रिक्वायर्ड टू ऑफकोर्स अप्लाई द लॉ एंड लिमिटेड पावर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ज्यादा पावर नहीं कि इंटरप्रेट करना गिवन दैट द लॉ वॉज ऑर्डेन्ड बाय अल्लाह इसलिए एस सच इंटरप्रिटेशन के उतने पावर्स नहीं दिया आपको बस अप्लाई करना है इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ इफ क्लियर गाइडेंस इज नॉट अवेलेबल और अगर ऐसा होगा तब तो ठीक है लेकिन अगर क्लियरली मैं नहीं है गाइडेंस नहीं है तब वो सुनना से कंफर्म कर सकता है इफ़ कुरान ड नॉट गिव गिफिक मैटर द सुन्ना में डू सो विद इन द सुन्ना दीद्फाइड टू देर रिलािटी मुवाती वर्चुअली गारंटीड मशुतर आर लेस सर्टेन एंड आर सर्टेनिटी अबाउट देर रिलायबिलिटी इसमें भी उन्होंने दिया है देर इज कॉन्ट्रोवर्सी इन द मुस्लिम वर्ड फर्दर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ में बी रिक्वायर्ड तकलीद इज द थ्योरी दैट द लॉ हैज बीन इंटरप्रेटेड जो भी लॉ है वो सफिशेंटली ऑलरेडी इंटरप्रेटेड है आपको और ज्यादा इंटरप्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है आर इजितहा हिस्टोरिक प्रोसेसेस यूज फॉर इंटरप्रेटिंग द लॉ द स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ इजात इजमा किया इशान मसाला उर्फ एंड इजतिस ना इजताहाद मस्ट नॉट बी कैरिड आउट ऑन सर्टन मैरिज जहाँ पर लत से अल्लाह एग्जिस्ट इट मस्ट भी कैरिड आउट बाई अबली क्वालिफाइड परसन विच इज़ नोन एज अ मुताद जिसने कुरान को पढ़ा है जो कि जो ट्रेडिशन्स हैं ऑफ़ द प्रोफिट जो प्रिंसिपल है इजमा के उसको समझता है अंडरस्टैंड द कंडीशन फॉर क्यूर्स एंड इज़ अ रिलाईबल ट्रस्ट वर्दी और गुड प्रैक्टिसिंग

द इफेक्ट्स ऑफ टेकिंग ड्रग्स इज सिमलर टू द इफेक्ट्स ऑफ टेकिंग एल्कोहल सो अगर क्या है कि टेकिंग ड्रग्स इज फॉर्बिडन ऑन द बेसिस कुरान स्टेज दैट एल्कोहल भी फॉर्बिडन है तो कोई भी अफेक्ट जो कोई ड्रग लेके आएगा उसका भीफेक्ट्स ऑफ टेकिंग एल्कोहल उसको भी आप फॉर्बिडन मारोगे इट इज अंपेरिजन ऑफ द टू थिंग्स इवेल्यूटिंग इन द लाइट ऑफ अनादर स्थान इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी ऑफ फेयरनेस जो कि एक्सरसाइज की जाती है ऑन द बाउंड सेज रीबा इस्लामिक कॉन्सेप्ट में uh, है एक कॉन्सेप्ट ऑफ अनलॉफुल गेन यूजली ट्रांसलेट किया जाता है एज इंटरेस्ट जो कि स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है कुरान में सो अनलॉफुल गेंद के लिए टर्म है रीबा तो यही मैं टर्म्स की बात कर रही थी रीबा हो गया क्या हो गया सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आपको पता हो यह क्या है इससे कि रिलेटेड भी आ सकता है Judicial review in Sharia law. Some Muslim states, the state will issue statutes, although these should be based on your Sharia law principle. And then you have a rule against Usuri. Yani ki a rule in Sharia law that has a significant impact on commerce and trade in the rule against Usuri. Jisko known, this is known as Sharia as Reba. Known in Sharia as Reba. Sharia law riba Reba. Kehte ho. पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ हमने सारे अपने सिविल लॉ कॉमन लॉ सारे लॉज देख लिए ठीक है पॉलिटिकल सिस्टम देख लिया लीगल और इकोनॉमिक सिस्टम देख लिया अब हम आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे जो कि था ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि पब्लिक और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो है गवर्न करती है रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट करेगी केसेस जहां पर कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज आ जाए सो इंटरनेशनल लॉ बेसिकली क्या है एक सिस्टम है रेगुलेटिंग द इंटर रिलेशनशिप ऑफ सॉवरन स्टेट एंड द राइट एंड ड्यूटीज विदर लॉ डाउन फॉर द आपकी जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है दैटिस्ट ऑफ रूल एंड इन जनरल टू द कंडक्ट ऑफ आपका सॉवरिन स्टेट कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या आपका जो रिलेशनशिप है उनके साथ और आपकी जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है वो रेगुलेट करेगी केसेस जो कि इन्वॉल्व करेंगे उस नेशन की लॉज या बाकी के साथ विच आर डिट विर डिफरेंट रिजल्ट इन डिपेंडिंग ऑन विच लॉस की आप बेसिकली आप किसका लॉ आप अप्लाई करने वाले हो किस स्टेट का बैरियर्स टू फ्री इंटरनेशनल ट्रेड नाउ बैरियर्स टू फ्री ट्रेड एग्जिस्ट क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करना होता है मार्केट को फ्रॉम आउटसाइड कॉम्पिटिशन तो बहुत सारी कंट्रीज में कुछ बैरियर्स लगाते हैं राइट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड कि भाई बाहर से कुछ सामान आ रहा है अगर आप सिर्फ इम्पोर्ट ही करते जाओगे ठीक है बाहर से ही आप खरीदते जा रहे हो तो जो आपके लोकल बिजनेस है वो ऑबली सफर करने वाले हैं इसलिए गवर्नमेंट्स जो हैं ये एक बैरियर टाइप लगाती हैं क्या क्या हो सकते हैं? हो बैरियर टैरिफ्स हो सकती है कस्टम ड्यूटीज होती है राइट आप जब भी कभी बाहर से कुछ खरीदते हो बाहर से आपने घर ही खरीदी परफ्यूम खरीदा ठीक है इंटरनेशनली अगर आपने शॉपिंग कभी की है इनकी तो आप देखोगे हमेशा कस्टम लगता है राइट right? आपको कस्टम टैक्स पे करना पड़ता है तो ये सब क्यों लगाए गए हैं ऑब्वियसली बिकॉज वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपने कंट्री के यू नो बिजनेसेस को क्योंकि वरना फिर सब अगर कोई ऐसा बैरियर ना हो तो सब बाहर से फिर खरीदने लग जाएंगे आपके कंट्री का कोई खरीदेगा नहीं तो आपके बिजनेसेस आपकी इकोनॉमी एट द एंड ऑफ द डे सफर करेगी So, ये आपके जो बैरियर्स हैं जैसे कि कहा हो गए कस्टम ड्यूटीज इंपोर्ट कोटा एम्बार्गोस और और बहुत सारी चीजें जो कि हम अभी देखने वाले हैं इन प्रैक्टिस मेनी बैरियर्स टू फ्री ट्रेड एग्जिस्ट बिकॉज गवर्नमेंट ट्राई टू प्रोटेक्ट देर होम इंडस्ट्रीज अगेन्ट फॉरन कॉम्पिटिशन जैसे कि मैंने कहा अपनी अपनी जो देश के बिजनेसिस उनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शनिज्म कैन बी प्रैक्टिस बाई गल वे तो जैसे कि मैंने कहा टैरिफ्स या कस्टम ड्यूटीज तो टैरिफ या, कस्टम तो या कस्टम्स Uh, जो है टैक्सेस होता है ऑन योर इंपोर्टेड गुड्स द इफेक्ट ऑफ अ टैरिफ इज टू रेज द प्राइस पेड फॉर द इंपोर्टेड गुड्स बाय योर डोमेस्टिक कंज्यूमर वाइल लिविंग द प्राइस पेड टू फॉरन प्रोड्यूसर्स द सेम और इवन लोअर जो डिफरेंस है वो ट्रांसफर किया जाता है गवर्नमेंट को तो आप देखोगे कई बार आपको कस्टम टैक्स वगैरह ड्यूटीज पे करनी पड़ती है कोई भी आपके जो इंपोर्टेड गुड्स होते हैं

बाई लेस एट अ हायर प्राइस डोमेस्टिक प्रोड्यूसर सप्लाई मोर देर आर फ्यू इम्पोर्ट्स द गवर्नमेंट कलेक्ट नो रेवेन्यू इन दिस केस देन देर इज एम्बार्गो एम्बार्गो ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री इज अ टोटल बैन दैट इज एफेक्टिवली जीरो कोटा कि उस कंट्री से कोई भी चीज नहीं आएगी अगर मैंने किसी कंट्री पे एम्बार्गो लगा दिया लेट्स से दो कंट्रीज वॉर पे ठीक है तो ऑब्वियसली अगर आप उस कंट्री के साथ वॉर पे हो या फिर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है वो कंट्री बार बार यू नो वायलेट करती है आपके यू नो बॉर्डर पे या कुछ भी तो आप उस पर जो है हम लगा सकते हो कि भाई इस कंट्री से कुछ भी नहीं आएगा कोई इम्पोर्ट्स नहीं होंगे हेरन एक्सपोर्ट सब्सिडीज एंड इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस There is a range of government subsidies and assistance for exports and returns against imports. kuch examples jaise exports ke liye हो गया कि export credit guarantees, financial helps, general state assistance, और आपकी imports के लिए हो गया complex import regulations, documentations और specific safety standards भी होते हैं कुछ imported goods के लिए कि अगर आपने standard pass के तभी आप को मतलब हम allow करेंगे. Differences in law.

दूसरी कंट्री में शायद जब तक आपने उसको यू नो प्रोपरली डॉक्यूमेंट नहीं किया शायद ना माना जाए राइटिंग एंड एविडेंस बाय विटनेस कि भाई हाँ, आपने प्रॉपरली उसको डॉक्यूमेंट किया विटनेस ऑल्सो जिन्होंने बोला कि हाँ ये अग्रीमेंट अब बन गया है इन सम कंट्रीज इट मे बी द केस दैट एन अग्रीमेंट डज नॉट बिकम लीगली बाइंडिंग अनलेस अदर कंडीशन आर फुलफिल्ड

उसको ट्रेड करना है बीस से पर वो कंट्री वाइस है रिलेशनशिप कुछ प्रॉब्लम हो गई, तब क्या इश्यूज होंगे? ए क्लेम करेगा अंडर अपनी, no कर अपनी कंट्री के लॉ के अंदर फ्रॉम बोथ पार्टीज को क्लेम द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट लीगली एनफोर्सिबल इन देयर कंट्री तो एक पार्टी बोल रही कि तुमने गलत किया है बी बोल देगा भाई मेरे कंट्री के अकॉर्डिंग लॉस के अकॉर्डिंग तो ये कॉन्ट्रैक्ट लीगली इनफोर्सिबली नहीं हुआ द रेमिडी अवेलेबल फॉर ब्रोकन कॉन्ट्रैक्ट जो है दोनों कंट्रीज में डिफर करेंगी एंड द पार्टीज माई डिस अग्री ऑन द चॉइस ऑफ कंट्री इन विच उनको लीगल रेजोल्यूशन चाहिए बेसिकली दोनों पार्टी बोलेगी ए बोलेगा कि नहीं मेरी कंट्री में तो जो रूल्स है उसके हिसाब से हम चलेंगे यहाँ पे विल सीक लीगल रेजोल्यूशन वो बोलेगा नहीं हम यहाँ पे करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं

फॉर एग्जाम्पल कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर इंग्लैंड में बना है बट द कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी फुलफिल रिलेशनशिप बिटवीन दार्टीज ब्रेक डाउन एंड लीगल रेजोल्यूशन लॉ या फिर इंडियन लॉ तो आपकी जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है ट्री डीज एंड मॉडर्न लॉज है तो एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिक्वायर होता है जो कि इन्श्योर कर लेगा कि आप यू नो सोल्यूशन दे पाओ अगर कभी कोई इशू आए या कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज आए कंट्रीज हैव सॉट सोल्यूशंस टू दीज प्रॉब्लम बाई कम टू अग्रीमेंट तो कुछ कंट्रीज जो है अग्रीमेंट करती है ट्रीटीज साइन करती है राइट right? सैक्शन देती है कि हाँ हम दोनों बिजनेस करेंगे अगर हुआ तो ये चीज़ उसमें अप्लाई होंगी ऐसे ऐसे रूल्स चलेंगे यू एन कन्वेंशन एंड अग्रीमेंट्स विच आर बाइंडिंग ऑन इंटरनेशनल लॉ ऑन स्टेट फॉर अदर एंटीटीज ना

Cases of था जो कन्वेंशन है मॉडर्न लॉज जो कंट्रीज जो है अडॉप्ट कर सकती है ऑफकोर्स इन एडिशन टू देर नेशनल लॉस दीज मेक प्रैक्टिस यूनिफॉर्म ऑन इंटरनेशनल बेसिस और आयरन आउट करती है कोई भी जो ये प्रॉब्लम अकर हो सकती है तो अब हम देखते हैं क्या रोल है ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेश पढ़े आपको पता हो क्या ऑर्गेनाइजेशन और इनका क्या काम होता है बिकॉज इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं ऑल राइट यूनाइटेड नेशंस ऑलमोस्ट एवरी इंडिपेंडेंट स्टेट इन द वर्ल्ड इज अ ए में यूएन जो है एक स्टार्ट किया गया था नाइनटीन में ठीक है जो कि द मेंबर्स

के क्या पर्प है टू ऑफकोर्स मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी डेवलप करना फ्रेंडली रिलेशनशिप्स कोऑपरेट इन एनी सॉल्विंग कोई भी अगर इकोनॉमिक या सोशल कल्चरल या ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स है एंड ऑफकोर्स प्रमोट करना रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट और इंटरनेशनल फ्रीडम देना जाता है आपका यूनिक्टल यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ दिस इज वन ऑफ द टू बॉडीज की एक्टिवलींल लॉ दूसरी बॉडी है इंटरनेशनल लॉ कमीशन नाव दिसवलपमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ये ट्राई करता है कि कैसे ओवरकम कर सकें कोई भी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो की बनी है डिफरेंट नेशन like e से नाउ दिलुक इंटरनेशनल ट्रेड की सेल ऑफ गुड्स ई कॉमर्स से रिलेटेड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से रिलेटेड कोई इशूज हो

जो जो उनका पार्ट है यू you नो know, ये ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो जो कंट्रीज ने इनके साथ साइन साइनअप किए फिर वो वही फॉलो करेंगे एंकरेजिंग इंटर इंटर ऑर्गेनाइजेशन कॉपरेशन प्रोवाइडिंग वाइड एक्सेप्टेंस प्रिपेयर करना कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन प्रमोट करना दैट देर इज यू नो कंसिस्टेंसी इन दिस इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन कलेक्टिंग एंड डिसमेंटिंग द इंफॉर्मेशन ऑन लीगल डेवलपमेंट्स मेंटेनिंग क्लोज लाइजन एंड मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट एंड लाइजिंग विद अदर यू एन एलिमेंट्स Then there is another organization ICC International Chamber of Commerce Their purpose is to serve the world business by promoting apka trade and investment, open market ho for goods and services and that there is free flow of capital Now the ICC makes representations to government on issues related to international trade इट ऑल्सो डेवलप्स कोड ऑफ प्रैक्टिस टू एंकरेज बिजनेसिस ऑपरेट विद इनिम ऑफ गवर्नमेंट इंटरप्रिटेशन और आईसीसी जो है को ऑपरेट करती है एंड एडवाइज करती है यू एन को एंड प्रोवाइड करती है कोई भी प्रैक्टिकल सर्विस टू द बिजनेसिस एंड अगर कोई क्राइम हो कमर्शल क्राइम उसको भी कम्पैक्ट करने के लिए अन इम्पॉर्टेंट ऑफ आईसी इज दैट इट हैज सेटअप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बैक इन नाइनटीन ट्वेंटी थ्री

एक फोरम में ऑफकोर्स वी ट्रेड अग्रीमेंट सेटल करेगा कोई ट्रेड डिस्प्यूट्स हो रहे हैं रिव्यू करेगा क्या नेशनल ट्रेड पॉलिसीज है असिस्ट करेगा डेवलपिंग कंट्रीज को इन ट्रेड पॉलिसी इश्यूज यू नो टेक्निकल असिस्टेंस होगी ट्रेनिंग होगी क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में उतना शायद नहीं होगा डेवलपिंग में तो उनको असिस्ट करेगा कोऑपरेट विथ अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है डब्ल्यू का एक सेक्रेटेरिएट है जो कि जीनीवा में बेस्ड है जो की ऑफकोर्स सप्लाई करता है टेक्निकल सपोर्ट

विदिन थर्टी डेज या मॉनिटर कर सकता है कोई भी इम्प्लीमेंटेशन रूलिंग है members, uphold, modify, कर सकते, जो भी ओरिजिनल पैनल की फाइंडिंग थी उसको देदर इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इज ओ ई सी डी यानी की ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD डी इज अ ग्रुप मेंबर इज अ ग्रुप ऑफ मेंबर कंट्रीज जिसका एम क्या है टू बी अ फोरम फॉर डिस्कसिंग डेवलपिंग एंड रिफाइन करना जो भी आपकी इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज है उसके ऑलमोस्ट थर्टी मेंबर कंट्रीज हैं कि मतलब इतनी कंट्रीज उसके पार्ट हैं दे हैव रिलेशन विद फर्दर सेवेंटी कंट्रीज दे हैव हिस्टोरिकली एन ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने एडमिनिस्टर किया है यूएस और कैनेडा को एड और यूरोप को भी वर्ल्ड वॉर टू के बाद

Unit droid is run by the secretary general, nominated by your governing council, consists of civil servant and ancillary staff. So governing council, hai, which is made up of an ex-official member who is the president and 25 elected officials, they will supervise. the secretary kya ki hai. Jo apka general assembly? Hai. वो डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ यूनिड्रॉय यानी कि दे विल बी अप्रूविंग जो भी बजट है जो भी प्रोग्राम्स करने हैं एंड इट इज मेड अप ऑफ वन ऑफिशियल फ्रॉम एवरी मेंबर स्टेट स्टेट का एक ऑफिशियल इसमें आ जाता है बिकॉज बिकॉज्रॉयड इज एन इंटर गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर इट्स हैव ट्रेडिशनली टेन टू टेक फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन कन्वेंशन आर नीडेड कोई भी स्कोप ऑफ रूल इफेक्ट करता है थर्ड पार्टी को या जो इंटरेस्ट है थर्ड पार्टीज का और द पब्लिक इंटरेस्ट अगर इन इम्प्लीमेंट इन दिन इसलिए मॉडल लॉज इनको आप, जब आप ड्राफ्ट करो कोई भी डोमेस्टिक लेजिस्लेशन जनरल प्रिंसिपल्स एड्रेस करेगा डायरेक्टली आपके जजेस को आर्बिट्रेटर्स को एंड दे आर लेट फ्री टू डिसाइड वेदर नॉट टू यूज एंड लीगल गाइड्स टिपिकली ऑन न्यू बिजनेस टेक्निक्स एनी न्यू टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन दोनों के लिए आपका डोमेस्टिकल लेवल पे भी. और इसी के साथ हमारा होते हैं अब हम क्विकली करेंगे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जैसे के आपको पता है, के में में, हम सारे क्वेश्चन करते हैं जहां हम कॉन्सेप्ट करते हैं पास्ट एग्जाम क्वेश्चन करते हैं अभी के लिए इस चैप्टर इसमसीक्यू देखेंगे

ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉस की क्यों होती है आपकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉस इनकिस बिटवीन अपने नेशन की क्रिमिनल और सिविल और नहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉस दूसरे नेशन के साथ जब आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये तो बिल्कुल नहीं है डिसअग्रीमेंट कॉज बाई डिफरेंसिस बिटवीन वन नेशन लॉज एंड अनदर नेशन लॉ या डिफरेंस इन ऑपरेशन सिस्टम ऑफ कॉमन लीगल एंड सिविल लॉ सिस्टम नहीं तो करेक्ट आंसर सिव है यहाँ पे बी कि जब आपकी लॉज और दूसरे कंट्री की लॉज के बीच में डिसअग्रीमेंट होता है तो आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज यही हमने अभी तक पढ़ा था ऑल राइट एग्जाम्पल इन द इंग्लिश लीगल सिस्टम वॉट इज द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ एक क्रिमिनल लॉ केस में जैसे कि मैंने कहा था क्रिमिनल लॉ केस में इट इज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट तो करेक्ट आंसर विल बी बी बैलेंस ऑफ प्रॉबिलिटी सिविल केस में था सिविल लॉ में तो ये एक आपको यू नो कन्फ्यूज करने के लिए दिया था बता करेक्ट आंसर बी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इन क्रिमिनल केसेस एग्जाम्पल फो वट इज द नेम गिवेन इन शारिया लॉ टू दिन गेम जो कि ट्रांसलेट किया जाता है एज अ मीनिंग इंटरेस्ट तो अनलॉफुल गेम हमने पढ़ा था क्या होता है उसका नाम होता है तो बेसिकली कॉन्सें ऑफ ओपिनियन किया सोर्स है वो तो शारिया लॉ की एग्जाम्पल फाइव यू एन मॉडल लॉज आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लॉ यू एन मॉडल लॉज होती है क्या वो इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ है बिल्कुल नहीं पब्लिक लॉ है इंटरनेशनल नहीं प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ होती हैं आपकी यूएन मॉडल लॉज एंड फाइनली एग्जाम्पल सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज है कि वो एक फोरम है टू डिस्कस डेवलप एंड रिफाइन इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी तो so, इनका पर्पस है टू बीइंग अ फोरम ये हमने देखा था दैट इट वाज वन ऑफ़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन ओ सी डी सो द करेक्ट आंसर हियर इज ओ सी डी द पर्पस इज कि वो एक फोरम है कि डिस्कस कर सके डेवलप कर सके और रिफाइन कर सके जो भी कोई भी इकोनॉमिक या सोशल पॉलिसीज हो ऑल राइट इसी के साथ खत्म होते हैं हमारे क्वेश्चन भी अब हम क्या करेंगे क्विकली एक बार रिवाइज करेंगे हम आज का so well ही ये सेशन सो दैट यू आर वेल वर्स्ट विद इट एंड आप भी जाके देन रिवाइज कर सकते हो जैसे कि मैंने कहा ये सेशन 1 ही काफी इंपॉर्टेंट सेशन है काफी बड़ा सेशन है हमने आज बहुत सारी चीजें सीखी हैं सो मेक श्योर कि आप भी इसको एक बार रिवाइज अच्छे से कर लें तो आज हमने क्या सीखा सबसे पहले हमने देखा कि तीन टाइप के लीगल सिस्टम होते हैं जिनको हमने डिटेल में पढ़ा कॉमन लॉ सिविल लॉ एंड शारिया लॉ फिर हमने पढ़ा भाई पॉलिटिकल लीगल और इकोनॉमिक सिस्टम्स। इकोनॉमिक सिस्टम्स में हमने पढ़ा प्लान इकोनॉमी कि भाई सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है मार्केट मार्केट पर छोड़ दिया जाता है और मिक्स प्लान और मार्केट का मिक्सचर है

एंड हमने फाइनली पढ़ा डिफरेंसेस बिटवीन योर क्रिमिनल एंड सिविल लॉ जो कि काफी इम्पोर्टेंट है क्रिमिनल लॉ यू नो आपका बिकॉज इट इज ब्रॉड बाय बोल दो या फिर इन द केस ऑफ यू के यू नो इन द नेम ऑफ क्राउन तो इसलिए उसको ऐसा लिखा जाता है आर वर्सेज स्मिथ सिविल लॉज बिटवीन इंडिविजुअल इसलिए दोनों का नाम आता है बर्डन ऑफ प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए आपके क्रिमिनल लॉ में ठीक है एंड स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ एंड बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे होता है सिविल लॉ में बर्डन ऑफ प्रूफ जो केस लाया पे, पे, और स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ दैट मस्ट बी शोन ऑन बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज हैिटीज फिर हमने ऑफ कोर्स पढ़ा कॉमन लॉ सिस्टम ये कब बना था क्या इसके प्रिंसिपल्स है हमने जुडिशियल प्रेसिडेंट के बारे में डिटेल में पढ़ा कि भाई पहले कोई केस हुआ हो अगर सिमिलर है कोई मटेरियल डिफरेंसेस नहीं है तो जज वही केस के जो प्रिंसिपल्स है उसको अप्लाई करता है उसी को आप कहते हो जुडिशियल प्रेसिडेंट उसमें आ जाते हैं तीन एलिमेंट्स रिपोर्ट्स रूल्स और क्लासिफिकेशन फिर हमने पढ़ा यू नो जो भी आपके रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है क्या क्या होते हैं लिटरल रूल हो गया परपिव हो गया कंटेक्सल हो गया और फिर हमने पढ़ा सिविल लॉ सिस्टम की भाई सिविल लॉ सिस्टम क्या है उसके सोर्सेज क्या है कहाँ से आ रहे हैं जजेस का इसमें क्या रोल होगा फिर हमने सिविल और सिविल और कॉमन लॉ का डिस्टिंक्शन भी देखा और फाइनली हमने पढ़ा शारिया लॉ जो कि यू नो बेस्ड ऑन द रिलीजन ऑफ इस्लाम इसमें हमने देखा अगेन शारिया लॉ के क्या सोर्स हैं यहाँ पे जजेस का क्या रोल है आप कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो और कुछ टर्म्स सीखी और उनका मीनिंग भी हमने देखा फिर हमने पढ़ा प्राइवेट और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के बारे में और बैरियर्स टू फ्री इंटरनेशनल ट्रेड क्यों गवर्नमेंट बैरियर्स डालती है क्या क्या बैरियर्स होते हैं टैरिफ्स हो गया इम्पोर्ट कोटाज हो गया एम एंड ऑल ऑफ दैट फिर हमने पढ़ा डिफरें कॉन्फ्लिक्ट एंड इसलिए यू हैव दीज इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटीज इन प्लेस तो रोल इन इन इंटरनेशनल ट्रेड में होता है फिर तो क्या क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है हमने वो देखा यूनाइटेड नेशन होता है आपका यूनिक्टल होता है फिर हमने देखा ओ होता है आईसीसी होता है विच इज इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका क्या स्ट्रक्चर है क्या उसका पर्पस है हमने वो सारी चीजें देखी यूनिट ड्राइड में क्या होता है एक सेक्रेट्रेट होगा गवर्निंग काउंसिल होगा जनरल असेंबली होगा तो हमने ये सारी चीजें एकदम डिटेल में देखी सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आ गया हो एंड नाउ यू शुड गो हैड एंड रिवाइज द सेम I will now see you in the next one. Till then, this is Disha Chauhan signing off.